हेलो एवरीवन, टैक्सेशन लॉ की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन, अर्थात कर से संबंधित संवैधानिक उपबंध। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेशन को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कर रखे हैं, उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स में ये बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के में कहाँ कहाँ किन किन आर्टिकल्स में जो है वो टैक्सेशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो इनमें से इम्पॉर्टेंट है उन पर हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में इसके बारे में प्रोविज़न किया गया है, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक है, जो कि कंप्लीट बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। केवल और केवल टैक्सेशन को ही नहीं, बल्कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, इन सब को कवर कर रहा है। लेकिन हमें जो हमारा जो टैक्सेशन का जो प्रोविज़न है वो भी इसी पार्ट में शामिल है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा कि पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जो टैक्सेशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं वो किस पार्ट में है, यू ऑल नो, इन पार्ट 12 में है, भाग 12 में है। सेकंड जो मेन बात है वो ये है कि कर से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध है मेन इस पार्ट 12 में, वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपको मिलेंगे बिटवीन आर्टिकल 265 टू आर्टिकल 289, ठीक है। देन सेंट्रल स्टेट टैक्स रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट ईयर में जब हमने फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट पढ़े थे, तभी भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था, यानी कि केंद्र और राज्यों के जो वित्तीय संबंध हैं वो उन पर जो क्या उपबंध है वो हम बात करी भी थी हमने। तो ये है अंडर आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 291 तक, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो है हमारे आप लोगों के सिलेबस के रिगार्डिंग, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। नेक्स्ट, आर्टिकल 265 जो प्रोविज़न करता है वो करता है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, अर्थात विधि के बिना प्राधिकार के किसी प्रकार का भी कर उद्ग्रहित एवं संग्रहित नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल 265 पर अब हम आगे वाली स्लाइड में डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्सोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स एंड कंटिजेंसी फंड्स एंड द कस्टडी ऑफ फंड्स, इनके बारे में इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स में प्रोविज़न कर रखा है। नेक्स्ट, हम बात करें अगर टैक्सेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स की, तो इस टॉपिक को लेकर भी हम हमारे आज के ही वीडियो में चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे क्या क्या अगर टैक्सेशन लॉज की वजह से अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है, हम किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 13, अंडर आर्टिकल 14, 19(1)(g) एंड आर्टिकल 27, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं आज ही क्लास में। नेक्स्ट, हम बात करेंगे कि पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स टू लेवी टैक्सेस, टैक्सेस को कर लगाने संबंधित जो पावर्स है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्यों की हो, वो किस तरह क्या क्या पावर्स है, कहाँ उसको डिफाइन कर रखा है, तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे बच्चों 7th शेड्यूल, जिसमें हम तीनों लिस्ट पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, जिसके बारे में प्रोविज़न आपका 268 से लेकर 279 तक में दे रखा है। फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें छोटा सा है यहाँ पर, सरचार्ज, जो जिसके बारे में प्रोविज़न आपके आर्टिकल 271 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और फाइनेंस कमीशन की बात अगर हम करें तो वो आर्टिकल 280 और आर्टिकल 281 में प्रोविज़न इसके बारे में कर रखा है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग टैक्सेशन, वो इंपॉर्टेंट जो आपको अपने आंसर में डालने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 265 की। आर्टिकल 265 क्लियर हमें क्या बात कह रहा है, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 265 क्या कह रहा है हमें, टैक्स कैन बी लिवाइड ओनली बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, यानी कि कर का जो उद्ग्रहण है वो केवल संसद या केवल विधायिका करेगी, और बिना विधि के प्राधिकार के, मीन्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, किसी भी प्रकार का कर जो है वो अधिरोपित नहीं किया जाएगा या संग्रहित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें आर्टिकल 265 क्लियर कह देता है कि केवल और केवल जो टैक्स लिवाई करने का जो राइट है वो किसके पास है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास, और अन्य कोई भी अथॉरिटी, कोई भी जो है बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के टैक्स आप पर इम्पोज नहीं कर सकता। जैसे इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ एक केस लॉ भी लिख दिया है, एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि नोटिफिकेशन इम्पोजिंग अ टैक्स कैन नॉट बी डीम्ड टू बी एक्सटेंडेड टू न्यू एरियाज इंक्लूडेड टू द म्यूनिसिपैलिटी, मतलब कर लगाने वाली जो अधिसूचना है, कर लगाने की एक नोटिफिकेशन था, उसको नगर पालिका में शामिल नए क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं माना जा सकता। देखिए, उसके लिए अलग से प्रोविज़न लाना पड़ेगा, अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र
अभी शामिल किया गया है किसी नगर पालिका में, और उस क्षेत्र में अगर कोई टैक्स इम्पोज करना है तो ये नहीं माना जाएगा कि पहले से उसी क्षेत्र में जो टैक्स लगता था वो उस पर भी लागू होगा, जब तक कि कोई अदर प्रोविज़न नहीं हो, मतलब जब तक कि अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं हो उस जो उस शामिल नए क्षेत्र में, उस न्यू एरिया में आप उस टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से वो नोटिफिकेशन वहाँ जो नए क्षेत्र है नगर पालिका में जो शामिल हुए हैं उन पर आप इम्पोज नहीं कर सकते। नाउ आर्टिकल 265 कुछ बेसिस, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है बच्चों, जैसे कि फर्स्ट, लेवी ऑफ टैक्स मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव परव्यू, यानी कि सबसे पहला जो सिद्धांत है जिस पर अनुच्छेद 265 जो है आपका निर्धारित है वो है कि कर का उद्ग्रहण विधायी दायरे के भीतर ही होना चाहिए, यानी कि लेजिस्लेटिव परव्यू के भीतर, जितना कि लेजिस्लेचर ने डिसाइड किया है कि इन इन पर टैक्स लगेगा तो उन पर ही टैक्स लगाया जाना चाहिए, उससे आउट जाके या उससे बाहर नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज कि लेवी ऑफ टैक्स मस्ट बी ओनली विद क्लियर लेजिस्लेटिव इंटेंशन, यानी कि कर लगाने का, कर का उद्ग्रहण केवल स्पष्ट विधायी आशय के साथ होना चाहिए, मतलब विधायिका की मंशा होनी चाहिए कि इस पार्टिकुलर चीज पर हमें जो है टैक्स लगाना है तो उसी पर लगा जाए, क्लियर होनी चाहिए एकदम। थर्ड इज, तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है कर के उद्ग्रहण में कोई अनुमान नहीं लगाया गया हो, मतलब यहाँ पर प्रिजम्पशंस आपकी काम नहीं करेगी कि हाँ पहले उस पर लगाया जाता था तो आज भी उस पर लगाया जाए, ऐसा तो हमने देखा था ना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हमने कल देखा था तो पहले, बहुत पहले जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगता था, आज वो नहीं है। तो समय के हिसाब से इसमें चेंजेस होते रहते हैं, यहाँ किसी प्रिजम्पशन का कोई स्थान नहीं है, अनुमान नहीं है, क्लियर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। विधि में अगर किसी वस्तु पर कर लगाना है तो उस पर लगेगा, अगर कोई टैक्स फ्री है तो वो टैक्स फ्री होगी, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल इज, फोर लेवी ऑफ टैक्स द फिस्कल इंस्टीट्यूट मस्ट बी रीड एज होल, यानी कि जो भी कर लगाने हेतु जो संबंधित वित्तीय कानून है उसको कम्प्लीटली पढ़ा जाना चाहिए, संपूर्ण रूप में उसको पढ़ा जाना चाहिए, केवल उसके एक प्रोविजन को ही नहीं, कैसे ही आप केवल ये निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि इस वस्तु को टैक्सेबल करना है या इसको टैक्स फ्री करना है, तो कम्प्लीटली वो जो स्टेट्यूट है उसे पढ़ा जाना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ना, मैंने क्लास में भी बताया था आपको, तो कम्प्लीटली आप उसको होल रीड करेंगे। फिफ्थ प्रिंसिपल है आपका, केवल कानून की भावना ही कर लगाने का आधार नहीं है, मतलब केवल स्पष्ट आपको होना चाहिए, केवल स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि केवल कर लगाने की भावना ही है, मतलब इम्प्लाइडली आप ये नहीं समझेंगे, इम्प्लाइडली उसका अर्थ नहीं निकाल लेंगे कि हाँ केवल कानून की इच्छा है कर लगाने की तो लगा देते, नहीं, जबकि क्या चाहिए हमको, क्लियरली एक्सप्रेस मीनिंग निकल कर आना चाहिए उस पर्टिकुलर टैक्सेशन लॉ से कि हाँ इस पर टैक्स इम्पोज करना है, तो स्पष्ट रूप से प्रोविज़न होना चाहिए। सिक्स्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल इज, स्ट्रिक्ट एंड फेवरेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्स इनेक्टमेंट्स, ध्यान रखें हमेशा कर कानूनों का सख्त और अनुकूल निर्वचन होना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट ही कंस्ट्रक्शन किया जाता है इनका, जो अर्थ लगाया जाता है वो स्ट्रिक्टली लगाया जाता है, यानी कि जैसे विधि में उपबंद कर रखा है वैसा का वैसा इनका निर्वचन किया जाना है, और फेवरेबल तो ये कि जितना हो सके असेसी के फेवर में ये हो, लेकिन स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन यानी कि एज इट इज़ जैसा लॉ कहता है सेम वैसा का वैसा, इसलिए ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अगले और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न की जो बात करता है सेवन्थ शेड्यूल की। सेवन्थ शेड्यूल, इसके साथ में आर्टिकल 246 के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेवन्थ शेड्यूल में हमें तीन तरीके की लिस्ट दे रखी है, फर्स्ट इज़ यूनियन लिस्ट, देन सेकंड इज़ स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज़ कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यूनियन लिस्ट के में जो कुछ ऐसे विषय दे रखे हैं लगभग 97 के आसपास जिन पर केवल यूनियन ही यानी कि संघ ही कानून बना सकता है, यानी कि जो संसद है आपकी उसको ही अधिकार है कानून बनाने का, जिसके बारे में प्रोविज़न आर्टिकल 246 के क्लोज वन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है। हमने जब लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, तो वहाँ पर हमने इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको यहाँ इसे अच्छे से डिटेल में भी पढ़ना है तो आप हमारे जो कॉलेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस दे रखे हैं, वहाँ पर भी जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको मिलेगा, मेरा इस पर एक बड़ा सा लेक्चर डाला हुआ है ब्रीफ में, ठीक है। देन आर्टिकल 246 क्लोज 3 जो बात करता है स्टेट लिस्ट के बारे में, जिसमें राज्य विधानमंडलों को अधिकार है, यानी कि ये ऐसे राज्य विषय के विषय हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को स्पष्ट कर रखा है। अब इसमें भी टैक्स से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ये जो लिस्ट है इनमें भी टैक्स से संबंधित कुछ प्रोविजंस हैं जिन पर केवल केंद्रीय कानून बना सकती है, जिन पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो और इन लिस्ट के अनुसार ही कर जो है वो आपका
इन संरेखित किया गया और अन्य को हस्तक्षेप ना हो, मतलब कहने का मतलब यह है इन लिस्ट के अनुसार ही टैक्स इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर कुछ बताना चाहूँगी, जैसे कुछ आपके इसमें दे रखे हैं प्रोविजंस, जैसे हम एग्जांपल की बात करना चाहे तो यूनियन लिस्ट की जो एंट्री नंबर 82 है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आय पर कर लगा सकती है कृषि आय को छोड़कर। ठीक है ना, तो ये एक एग्जांपल हो गया आप लोगों के सामने जो ये बता रहा है कि किस तरह से केवल यूनियन लिस्ट के विषय पर संसदीय कानून बना सकती है या किस तरह से स्टेट लिस्ट के विषय पर स्टेट ही कानून बना सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखिए यहाँ मैंने आपको वर्गीकरण भी करके बता दिया है कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिन पर केवल सेंट्रल कानून बनाएगी या जिन पर केवल स्टेट कानून बनाएगा। तो इसे देखिए हम फर्स्ट हम बात करते हैं टैक्सेस बिलोंगिंग टू द यूनियन ओनली। जैसे जो टैक्स केवल और केवल पार्लियामेंट से संबंधित है, यानी कि जिस पर यूनियन से संबंधित है जो टैक्सेस, जिन पर जिनके लिए केवल पार्लियामेंट को अधिकार है, जिनका कौन कौन से टैक्सेस है वो केवल कॉरपोरेशन टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, रेलवे और एयर पैसेंजर्स टैक्स हुआ, न्यूज़पेपर परचेजिंग एंड सेल से संबंधित जो कर लगाना है वो कौन लगा रहा है, किससे संबंधित है, केवल और केवल यूनियन से संबंधित। दूसरा टैक्सेस बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ओनली, जो केवल और केवल स्टेट से संबंधित है, ये केवल है केवल स्टेट से संबंधित है और ये यूनियन से संबंधित है। जैसे लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व की बात करें, एस्टेट ड्यूटी यानी कि संपदा शुल्क की हम बात करें, इलेक्ट्रिकल टैक्सेस है या कोई पेशे से संबंधित कर है, प्रोफेशनल टैक्स जिसे कहते हैं, कोई व्हीकल यानी कि वाहन टैक्स कर है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, मनोरंजन कर जिसे कहते हैं, तो ये सब कर कौन लगा, किससे संबंधित है, केवल और केवल स्टेट से संबंधित है। स्टेट इनके संबंध में कानून बनाएगा, वहीं इनको इम्पोज करेगा, वहीं कलेक्ट करेगा, सारे काम वहीं करेगा। थर्ड एक छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ अच्छे से डिफाइन कर भी दी है आपको कि इनकम टैक्स इज गोइंग टू द यूनियन बट प्रोफेशनल टैक्स इज गोइंग टू द स्टेट्स। ध्यान रखें इनकम टैक्स पर कानून कौन बना रहा है, केंद्र बना रहा है, जबकि प्रोफेशनल टैक्स पर स्टेट बना रही है। क्लियर, टैक्सेस लिवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड यूज बाय द स्टेट। अब हम कुछ ऐसे टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे जिनको लिवाइड तो कौन करेगा, जिनको अधिरोपित तो कौन कर रहा है, यूनियन, बट जिनको कलेक्ट और यूज़ कौन कर रहा है, स्टेट। जैसे मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस और लीकर, जैसे दवाइयों से संबंधित हुए, टॉयलेट प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पर है सोप से, है ना, सोप प्रिपरेशन से, तो सोप प्रिपरेशन या लीकर शराब वगैरह से संबंधित जो हुए। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस लिवाई तो कौन कर रहा है, मतलब इम्पोज तो कौन कर रहा है, यूनियन, लेकिन उसको इकट्ठा और उसका उपयोग कौन कर रहा है, स्टेट। नेक्स्ट, टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट असाइन टू द स्टेट्स। ऐसे टैक्सेस जिनको उद्गृहित और संग्रहित तो कौन कर रहा है, यूनियन, लेकिन वो किसको सौंप दिए जा रहे हैं, वापस राज्यों को सौंप दिए जा रहे हैं। जैसे अर्बन लैंड टैक्स हुआ, गुड्स ट्रेन टैक्स हुआ, एडवर्टाइजमेंट टैक्स हुआ, स्टैंप ड्यूटी टैक्स हुआ, या टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये ऐसे टैक्सेस हैं जिनको कि यूनियन ही लिवाई कर रहा है, यूनियन ही इकट्ठा कर रहा है, लेकिन सौंप किसको रहा है, वो राज्य को सौंप रहा है। And the last is taxes levied and collected by the union but distributed between the union and the states। मतलब ऐसे टैक्स जो कि लिवाई किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे यूनियन के द्वारा, लेकिन बांट दिए जाएंगे यूनियन और स्टेट्स में आपस में। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर जो हमारी क्लास थी इंट्रोडक्टरी, उसमें मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है ना, इनकम टैक्स को क्या है, 70-30 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। 70% तो इम्पोज तो कौन कर रहा है इसको, यूनियन, कलेक्ट भी कौन कर रहा है, यूनियन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बीच में हो रहा है, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। यहाँ पर जो है आपका यूनियन जो है आपकी, वो 70% हिस्सा तो वापस स्टेट्स को दे देती है और जो 30% है वो अब जो है इन्वेस्ट कर देती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक है, फिर अदर प्रोविजंस की अगर हम लोग बात करें तो जैसे सरचार्ज के बारे में हम बात कर सकते हैं इन अंडर आर्टिकल 271। ठीक है, तो ये है सरचार्ज का क्या मतलब हुआ कि जैसे किसी विषय पर अगर स्टेट ने कर लगा लिया तो उसी सब्जेक्ट पर, उसी चीज़ पर दोबारा अगर सेंट्रल कोई टैक्स लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, सरचार्ज। ठीक है, पार्लियामेंट ऑथोराइज टू लेवी एडिशनल टैक्स ओवर स्टेट टैक्सेशन सब्जेक्ट। पार्लियामेंट देखिए इस बात के लिए, संसद जो है वो अधिकृत है कि राज्य कराधान का जो विषय है, अब राज्य कराधान का विषय कौन सा हो गया, स्टेट लिस्ट में है जो, तो जो विषय राज्य के कर, जिस पर राज्य कर लगा सकता है और राज्य ने लगा दिया, तो पार्लियामेंट भी उस इस बात के लिए अधिकृत है कि वो उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर दोबारा से टैक्स लगा सके, तो उसे क्या कहेंगे, अतिरिक्त कर, सरचार्ज।
ठीक है। फिर एक बात भी होती है सहायता अनुदान संबंधित, ग्रांट्स इन एड यानी ग्रांट्स गिवन बाय द यूनियन टू द स्टेट्स वेन एवर देर आर कंटिजेंट सर्कमस्टेंसेज, जब भी कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति अराइज होती है तो यूनियन के द्वारा स्टेट्स की को सहायता अनुदान दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे तीन तरीके के हैं मेनली, लाइक ईयरली ग्रांट इन एड, ठीक है, वार्षिक जो सहायता अनुदान दिए जाते हैं कौन से, जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इनको एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट इज रिलीज बाय यूनियन, इन जो पर्टिकुलर जो यहाँ नाम लिखा है मैंने चारों स्टेट्स को, इनको संघ द्वारा जूट के निर्यात शुल्क पर छूट प्राप्त होती है। और अदर स्टेट्स की बात करें तो वेन एवर असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड लाइक फ्लड, ड्राफ्ट, अर्थक्वेक एट्सेट्रा, अगर कोई नेचुरल कलामिटी आती है जैसे फ्लड है, ड्राफ्ट है, अर्थक्वेक है, तो ऐसे में जो है अन्य जो राज्य है उनकी भी सहायता की जाती है। फॉर द प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और यहाँ साथ के साथ सहायता अनुदान दिया जाता है ताकि कि एससीज और एसटीज जो है उनका उनके प्रमोशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अदर प्रोविजंस में आप ये दे देंगे। फिर हम बात करें अगर लिमिटेशंस की, तो कुछ लिमिटेशंस भी रखी गई है यहाँ पर, जिसकी हमने स्टार्टिंग में मैंने कही थी ना कि मैं अपन आगे जाकर ये ध्यान पढ़ेंगे कि कहीं टैक्सेशनल प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करते समय, उनको लागू करते समय कहीं किस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये हमें देखना है। तो वी मस्ट सी फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट, दे मस्ट नॉट कंट्रावेन विद आर्टिकल 13, यानी कि जो आपके टैक्सेशन के प्रोविजंस है वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो आर्टिकल 13 का उल्लंघन करें। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग आर्टिकल 13, कुछ डॉक्ट्राइन्स हमने इसमें पढ़े थे, लॉ की डायल लॉ का जो मीनिंग है वो भी यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई ऐसा टैक्सेशन लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आर्टिकल 13 का इन्फ्रिंजमेंट करे। नेक्स्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में हम बात कर रहे हैं, यानी कि नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्ररी। देखिए, टैक्सेशन लॉ या टैक्स को इस तरह से इम्पोज किया जाना चाहिए जो मनमाना नहीं हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हो, यानी कि विधियों का समान संरक्षण, हमने पढ़ा था ना ये कंसेप्ट, जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना, जैसे ही हम पढ़ते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति जो ज़्यादा कमा रहा है जिसकी इनकम बढ़ी है तो उसका टैक्स बढ़ेगा, और जो व्यक्ति कम कमा रहा है तो उसका टैक्स कम होगा, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो ये क्या है, ये है इक्वलिटी अचीव करने का तरीका। तो टैक्सेशन में भी इसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है, वो 14 के अगेंस्ट, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्ररी नहीं हो। थर्ड इज नॉट टू बी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द राइट टू बिजनेस। देखिए, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो कहीं आप इतना ज़्यादा किसी पर्टिकुलर बिजनेस या प्रोफेशन पे टैक्स लगा दें कि लोग उस बिजनेस या प्रोफेशन को अपनाने से ही डरने लगे कि भैया मैं तो ये वाला व्यवसाय या ये कारोबार नहीं करूँगा या ये पेशा नहीं अपनाऊंगा, इसमें तो सरकार बहुत टैक्स लगा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी का जो फंडामेंटल राइट है उस राइट को आप इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। द लास्ट इज कि किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदायों के प्रचार या रख रखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विशेष रूप से विनियोजित की जाने वाली आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ये प्रोविज़न जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द आर्टिकल 27, हम आर्टिकल 27 में पहले ही पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये चार आपके मेन मेन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, लिमिटेशंस भी आप इसे कह सकते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए दो केस लॉज मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं। फर्स्ट इज थिएटर वर्सेस कंटोनमेंट बोर्ड। देखो, ये बात करता है ऐसे सिनेमाघर की इनकम, मतलब सिनेमाघर पर, मैं इसे समझा देती हूँ आपको, सिनेमाघर की हुई इनकम पर टैक्स इम्पोज करने से संबंधित। एक ऐसा सिनेमाघर है जो कि बहुत मतलब बहुत बड़े एरिया में है, जहाँ पर बहुत बिजी एरिया में है, मतलब उसका बहुत अच्छा मतलब लार्जर अकोमोडेशन है, जहाँ पर बैठने की सीट्स जगह काफ़ी बड़ी है, जो लोकेलिटी में सिचुएटेड है, है ना, जो बहुत जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। जबकि एक ऐसा सिनेमा हॉल है जो कि बहुत छोटी जगह पर, एक अंदर कॉलोनी में कहीं पर छोटी जगह पर लोकेलिटी में स्थित है, और जहाँ पर पहला वाला कहाँ था, बिजी एरिया में, और दूसरा वाला कहाँ स्थित है, लोकेलिटी में। तो जहाँ लोकेलिटी में स्थित है दूसरा वाला सिनेमा हॉल, और वहाँ पर विजिटर्स जो आते हैं वो भी ऐसे थोड़े पुअर है या बहुत कम संख्या में आते हैं, तो वहाँ पर उन दोनों पर अलग अलग टैक्स इम्पोज करना कतई ही आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं है, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये क्लासिफिकेशन जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है,
ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन इनकम ऑफ सिनेमा हाउसेज. सिनेमा हाउसेज की जितनी इनकम होगी, भाई कोई सिनेमा हाउस जो बहुत मतलब बिजी एरिया में है तो, और जहाँ पर बहुत लोग आते हैं, विजिटर्स बहुत आते हैं, है ना, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली उसकी इनकम ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाएगा. और जो कम है, लोकेलिटी में स्थित है, जहाँ बहुत गरीब तरीके के और बहुत कम संख्या में विजिटर्स आते हैं, उन पर कम टैक्स इम्पोज किया जाएगा. तो इससे क्या आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं समझा जाएगा. क्लियर. फिर बात करते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में. देखिए, न्यूज़पेपर्स पर कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क लगाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों को उनके प्रचार प्रसार के आधार पर यहाँ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. छोटे समाचार पत्र हैं, मध्यम तरीके के, जो मध्यम मतलब कुछ जो एक तो छोटे हो गए जो बहुत कम लोग खरीदते हैं, जिनको बहुत कम एरिया में जो पॉपुलर है, कोई एक मीडियम टाइप के हो गए, एक तो बहुत ज़्यादा बड़े जो वाइड बहुत बिग एरिया को अपने अंदर कवर करते हैं, तो ऐसे समाचार पत्रों में वर्गीकृत किया गया. इसे भी आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं माना गया. क्यों नहीं माना गया? क्योंकि देखिए, ये सब क्यों किया गया, जो छोटे और मध्यम समाचार पत्र थे उनकी जो उत्पादन लागत होती है, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उसको कम करने में उनकी सहायता की जाए. इस उद्देश्य से जो है वो इस तरह से इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया. डिटेल में मैंने इसमें लिख दिया है आप लोगों को और मैंने समझा भी दिया है आप लोगों को. सही ये होगा स्टूडेंट्स आपके लिए कि जैसे जैसे मैं टॉपिक समझाती जाऊँ आपको, आप उसको अपने हिसाब अकॉर्डिंग उसको अपने नोट्स प्रिपेयर करते चले जाएँ, तभी ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा. ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने इतना ही बहुत है बच्चों. अब अगली जो क्लास है उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.